रनिंग करो। बबली शाह है। आज ये सिंदूर खेला का प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है, क्या है इसका? इसका मतलब होता है दुर्गा पूजा में जो दुर्गा माँ हमारे यहाँ आती हैं, जो मायके में आती हैं, हमको इनको सिंदूर लगा के हम यहाँ से इनको विदा करते हैं। ये अपने ससुराल जाएंगे भी दशहरे के दिन। और क्या क्या तैयारी की जाती है यहाँ पर? हमारे इसमें जो यात्रा होता है, दुर्गा दशमी यात्रा होता है, यहाँ विसर्जन होता है, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बहुत ही सुंदर फेस्टिवल होता है, जिससे हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं एंड एक दूसरे सुहागनों को सजाते हैं, सिंदूर पहनाते हैं, जिस कारण बहुत अच्छा लगता है। माता जी को भी सिंदूर लगाया? हाँ, माता जी को भी सिंदूर लगाया जाता है। मैम नाम बताइए। मेरा नाम मयूरी है। कितना महत्वपूर्ण आज ये दिन होता है सिंदूर के लगाने? बहुत ही सुहागन स्त्रियों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन माँ दुर्गा अपने मायके से वापस ससुराल जा रही हैं विदा होते हुए, तो इसलिए उन्हें सिंदूर और मिठाई खिला के विदा किया जाता है, इस उम्मीद से कि दोबारा अगले साल इसी उल्लास के साथ वो आए। और क्या क्या तैयारी की जाती है इसका ऋतु मनाने के लिए? तैयारियां तो पिछले 6 महीनों से चल रही होती है, पर आज के दिन को सिंदूर खेला कहा जाता है और माँ को बौरन करके उन्हें विदा किया है। जी आपका नाम बताइए। मैं सलील चैटर्जी, जनरल सेक्रेटरी टीटी नगर कालीबाड़ी बंगाली एसोसिएशन। और ये जो 66वां हम दुर्गा उत्सव मना रहे हैं जो आप देख रहे हैं ये, और मंदिर है माँ की, माँ काली जी के सामने। और इस बार की जैसे 2 साल तो हम लोगों ने पेंडेमिक के वजह से हम किसी कारण मनाए तो थे, क्योंकि छोटे पैमाने पे पहला साल हमने 20 में तो हमने फोटो रख के पूजा किया था, और 21 में तो छोटा सा मूर्ति बनाया था, क्योंकि ब्रेक तो कर नहीं सकते। इस बार हमने जो हमारा 12 फुट की मूर्ति बनती है, कलाकार कलकत्ता से आए हैं, उसके आभूषण भी कलकत्ता से आए हैं, पंडित, और जैसे जो हमारा हर साल होता है उसी प्रकार से उसी उत्साह उल्लास के साथ में इस साल भी हम मना रहे हैं। माँ के आप जैसे देख रहे हैं, इस बार का प्रेडिक्शन ये था कि माँ गज में आएगी, मतलब हाथी पे बैठ के आएगी और नौका में जाएगी, ये आप देख रहे हैं, मतलब प्रेडिक्शन सही हो गया। और अभी जम के पानी गिर रहा है तो एवरीबॉडी इज़ हैप्पी हियर अराउंड दैट द प्रेडिक्शन हैज़ कम ट्रू। तो हमारा 66वां पूजा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है, और चारों दिन बड़े उत्साह और उल्लास के साथ में हमने मनाया है। पूरे समाज के लोगों ने आनंद लिया, पूजा अर्चना भोग वितरण सब परफेक्शन से हुआ है। और ये जो आप मंडप देख रहे हैं, तो मंडप भी हमने कोई प्रोफेशनल आदमी से नहीं बनाते, हमारी ही महिलाएँ इसको डेकोरेट करती हैं। इस बार का हमारा थीम था ट्राइबल, आप ये देखें ट्राइबल आर्ट, कोई ना कोई स्टेट का ट्राइबल आर्ट से ये स्टेज देख रहे हैं, माँ का मूर्ति का देख रहे हैं, स्टेज देख रहे हैं, माँ की पंडाल देख रहे हैं। दिस हैज़ ऑल बीन डन बाय आवर ओन वाइफ्स, मतलब हमारे घर के हमारे भाइयों के बहन वाइफ्स के द्वारा, और दिन में हमारा प्रोग्राम होता रहा हमारे खुद के कलाकारों द्वारा, टैलेंट हंट भी किया, और शाम को कलकत्ता से 3 दिन हमारे आर्टिस्ट आए, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी, और अभी आज दशमी है, आज विसर्जन करके हम जो है इसका समापन करेंगे। धन्यवाद।